अध्यक्ष हैं, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? 9 अगस्त के दिन क्या हुआ था आदिवासियों का, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कार्यक्रम कर रहे हैं या 9 अगस्त मनाना चाहते हैं। 9 अगस्त को कौन से हमारे आदिवासी नेता पैदा हुआ था, या आदिवासियों का भगवान पैदा हुआ था, या आदिवासियों की जाति इस दिन स्थापित हुई थी, या आदिवासियों का जन्म इस दिन हुआ था, क्या हुआ था 9 तारीख को, ये बताएं, स्पष्टीकरण करें कि हमारे। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये हिंदू कहने पे तुले, ये नवमी मनाओ, वो त्योहार करो, हमारे पुरखों ने क्या गड्ढे गाड़े वहां पे, हम वो उनका त्योहार मनाए। अरे झंडू बामो, ये जंगल में रहते हैं इसलिए ऑक्सीजन तुम्हारी तरफ आ रहा है, अगर इन्होंने जंगल को तोड़ दिया होता, नाश किया होता, तो आज तुम जिंदा रहते, सिलेंडर लेके पीछे फिरते तुम। दोस्तों, ये आपने शुरुआत में वीडियो देखा और उन्होंने जो सवाल किए उस सवाल के जवाब देना बहुत ज़रूरी है। चाचा जी यही कहते फिरेंगे कि 9 अगस्त को क्या हुआ, हमारे पुरखों ने कुछ तो किया नहीं, उनका कौन सा उत्सव है तो हम मनाएंगे, ऐसा वगैरह वगैरह है। चाचा जी बीजेपी की मस्त शाल डाले हुए दिख रहे, इसका मतलब चाचा जी बीजेपी के कुछ सदस्य वदस्य है। चाचा जी का नाम मुझे पता नहीं है, वो कहाँ के है ये भी पता नहीं। ये वीडियो वायरल हुआ था, मेरे पास आया और वीडियो में इस हमारे चाचा जी ने कुछ सवाल किया, 9 अगस्त कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, विश्व मूल वंशी दिवस ऐसा लोग कहते हैं तो कौन सा दिन है। इसके लिए इस चाचा जी को पूरे पूर्व के सवालों का जवाब मिल जाएगा, एक ही करना है, वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में भरे पड़े हैं। और ये चाचा जी जहाँ भी रहते हैं आप उनको जानते होंगे, तो उनको ये वीडियो पहुँचाओ क्योंकि उनको ये जवाब मिलना चाहिए। विश्व भर में ये दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में चलिए छोड़िए, चाचा जी को मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल सरल, मुझे कोई गुस्सा नहीं है ना ही चाचा जी को है, तो सरल भाषा में इनको समझाऊंगा। UNO क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब एक हुआ, आप अगर हिस्ट्री के विद्यार्थी हो, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी, फिर भी इतनी तो पढ़ी होगी कि प्रथम युद्ध महायुद्ध हुआ, सेकेंड महायुद्ध हुआ, इन दौरान सभी देशों को एक नज़र आया कि हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान के साथ हमेशा लड़ता है, पाकिस्तान इंडिया में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, ये इन दोनों का प्रॉब्लम है। लेकिन जो बाहर है, अभी ताज़ा उदाहरण कल काबुल में, जैसे अफगानिस्तान की जो मेन शहर है काबुल, उस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया, क्या हुआ, तालिबान अफगानिस्तान का जो स्ट्रगल है वो चल रहा है। सभी देशों ने, इस 90 देशों ने मिलकर एक संघ बनाया, हम भले ही एक दूसरे के साथ लड़े लेकिन उस संघ में आकर हम बात करें शांतिपूर्ण, मानव के राइट्स की यानी मानव के हक अधिकार की बात करें, ऐसे बहुत सारे मुद्दों के लिए गठन किया गया UNO, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, यह युद्धों के लिए नहीं तो हर बात के लिए। चाचा जी को ज़्यादा पता है, कोरोना काल में इंडिया और बाकी देश भी किसकी गाइडलाइन मान रहे थे, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सभी देशों ने मिलकर बनाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी वैसे ही काम करता है, जैसे कि देश में किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उस देश का शासन, उस देश का प्रशासन अगर उस समुदाय की तरफ, व्यक्तियों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो ह्यूमन राइट के ज़रिए संयुक्त राष्ट्र संघ उन पर प्रेशर बना सकता है। ये सभी मानव जाति के लिए शांतिपूर्ण प्रस्ताव था, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का गठन किया गया और इसमें 30 अक्टूबर 1945 में भारत ने भी भाग लिया। भारत ने भी इनके सभी शर्तें माने कि चलो, इस दुनिया में 90 देश है, एक देश दूसरे पे हावी हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, और इसको शांतिपूर्ण रखने के लिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ गठन की गई और उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए सभी देशों में शांतिपूर्ण प्रस्ताव लाया गया। और इसके लिए आज भी पाकिस्तान कभी हमला करता है लेकिन हम उसको पूछते हैं तो वो कहता है नहीं 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 हमने नहीं किया, क्यों, किसके प्रेशर में, पाकिस्तान अगर मान लेता है तो क्या होता है, इसके प्रेशर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बहुत सारे देश की जो संगठन है वो तैयार है, अगर वो कबूल करता है तो उसको मुआवजा भुगतना पड़ेगा सभी देशों की तरफ से, ये होता है दोस्तों। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ चलने लगा, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने एक बड़ा मुद्दा आया, वो है कि इस 90 देशों में स्थानिक लोग रहते हैं, देखिए स्थानिक लोग आप सभी को नहीं कह सकते, इंडिजिनस इसके लिए नाम दिया गया, जो लोग
पूर्वापार से इतिहासकार जब इतिहास खोजते हैं ना, तब इस इतिहास में उनको ये मिलता है कि ये समुदाय यहाँ से तकरीबन कम से कम 40 से 50 हज़ार साल पहले का है, तो वो यहाँ का इंडिजिनस पीपल है। ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, सभी जगह जो देश है उनमें जो ये इंडिजिनस पीपल लोग आते हैं, ट्राइबल लोग आते हैं, उनकी पूरे वर्ल्ड के जनसंख्या के मामले में 7% जनसंख्या ट्राइबलों की है। यूएनओ को ये समझ में आया कि इंडिया में देखिए ट्राइबल लोग क्या है, अपने हक और अधिकार के लिए जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी सपोर्ट नहीं है। ऐसा ही बाहर देशों में भी है। उन ये इंडिजिनस पीपल होने के कारण जो बाहरी लोग आते हैं, अपना समुदाय बढ़ाते हैं, वो इनको अलग करते हैं, नहीं ये यहाँ के आदिवासी है, अमका है, डमका है, अनेक विशेषण लगाए जाते हैं और इनको प्रवाह से दूर लौट लिया जाता है। इंडिया की बात वैसे नहीं है, अभी प्रवाह में हम सब आने लगे हैं क्योंकि संविधान निर्माण हो चुका है, लेकिन ऐसे देश आज भी है। जैसे कि न्यूजीलैंड ने काम किया था बीच में, उनके राष्ट्रगान में ट्राइबलों के लिए जगह दी थी कि उनको एक सम्मान दिया जाए कि ये पहले से लोग हैं, इन्होंने जल जंगल जमीन को बचाया, इनकी जो टेक्निक है वो जल जंगल जमीन बचाती है ना कि उसका नाश करती है। तो इसके लिए यूएनओ ने कुछ आर्टिकल्स जारी किए। आर्टिकल ऐसे थे कि कोई भी किसी भी देश का ट्राइबल इंसान हो, उनका जो एरिया है उसमें आर्मी की यानी सैनिक की गतिविधि नहीं होगी, उनको उनके हक और अधिकार दिए जाने चाहिए, उन पे कौन किसी भी धर्म को थोपना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास उनका कस्टम और उनका कस्टमरी लॉ होता है, वो अपने कस्टम और कस्टमरी लॉ से चलते हैं। तो ये इंडिया के ही नहीं तो बाहर देशों के सभी ट्राइबलों के लिए एक दिन नियुक्त किया गया, वो दिन है 9 अगस्त। ये नियुक्त किया गया 1993 में और इसके बाद धीरे धीरे सभी देशों ने इसका स्वीकार किया। यूएनओ आज भी बड़े बड़े आर्टिकलों के साथ कहता है कि यहाँ के जो स्थानीय इंडिजिनस पीपल है उनके कल्चर को आज हमें सीखने की ज़रूरत है, हम अगर इनको सीखेंगे प्रकृति कैसे बचाते हैं, प्रकृति को संगोपन कैसे करना है, ये अगर हम सीखेंगे तो आगे चलकर 20, 25 या 50 साल तक पृथ्वी में ये नेचर जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ के इंडिजिनस पीपल को हम प्रवाह से अलग करते हैं, उनको अलग करते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार बेट में जारवा नाम की एक जनजाति है, ट्राइबल लोग हैं, वो भी ख़त्म होने के कगार पर है सभी लोग। मेरे ख्याल से 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 300 थी, आज 2021 है तो मेरे ख्याल से वो 150 से भी कम हो जाएंगे, आगे चलकर 10-12 सालों में पूरी नामशेष हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग जाते हैं, उनके फ़ोटोज़ निकालते हैं, अदनंगे फ़ोटो निकालते हैं, फेसबुक यहाँ वहाँ डालते हैं, उन लोगों को पता नहीं कि ये लोग ऐसा क्यों है, ये लोग झाड़ लगाते हैं, पेड़ों के बीच रहते हैं, तो हम जंगली हुए। फिल्मों में भी वैसे ही दर्शाया गया है, एक भी ऐसी बात देखी है जो इंडिजिनस पीपल को छोड़ी हो इन फिल्म वालों ने? नहीं छोड़ी, सभी कुछ ऐसा दिखाया जैसे कि ये जंगल में रहते तो बहुत बड़ा इन्होंने गुनाह किया। अरे झंडू बामो, ये जंगल में रहते हैं इसलिए ऑक्सीजन तुम्हारी तरफ आ रहा है, अगर इन्होंने जंगल को तोड़ दिया होता, नाश किया होता, तो आज तुम जिंदा रहते, सिलेंडर लेके पीछे फिरते तुम। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हमारे बचपन में क्या सिखाया गया, मैं एक ट्राइबल इंसान हूँ तो मेरे बचपन में ये सिखाया गया, बेटा देख अगर तुम धान का एक बीज लाते हो और घर में डाल देते हो, उसका एक पौधा आएगा, वो हजारों धान तुम्हारे हाथ में देगा, उसमें से तुम 500 खाओ और 500 धान फिर से लगा लो, वो 5000 का उत्पन्न देंगे, उसमें से 2500 धान तुम खाओ, 2500 लगा लो, इससे क्या होगा, एक दाने से मैंने पेट भी भरा और मैं उसको बचा भी रहा हूँ। ये सिस्टम है ट्राइबलों की। ट्राइबल आदमी लोग कहते हैं आप घर बनाते हो तो पेड़ तो तोड़ते होंगे, अरे भाई ये बैलेंस बनाने वाली बात है, ये पाप पुण्य वाली बात नहीं है, बैलेंस बनाने वो अगर 4 झाड़ तोड़ता है, ऐसे ही झाड़ तोड़ता है जो परिपक्व है, पूरे है, उनका आयुष्य पूरा हो गया, वो तोड़कर अपना घर बनाता है, तो उसके एक त्यौहार पर वो 20 से 25 झाड़ हर साल लगाता है, ये उसके कल्चर में है। ढूंढना किसको पड़ेगा, हम लोगों को। हम ये कह रहे हैं 9 अगस्त क्यों मनाते हैं, हमारे पुरखों ने ऐसा क्या किया, उस दिन क्या हुआ। आरएसएस वाले लोग आदिवासियों को हिंदू कहने पे तुले हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये हिंदू कहने पे तुले, ये नवमी मनाओ, वो त्यौहार करो, हमारे पुरखों ने क्या गड्ढे गाड़े वहाँ पे, हम वो उनका
त्यौहार मनाए। जब वर्ल्ड में हम दिवाली मनाते हैं इंडिया में, हमारी इंडिया के कुछ लोग बाहर हैं तो वो भी मनाते हैं, लेकिन 9 अगस्त का वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे ये ऐसा त्यौहार है जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। इंडिया का इंडिजिनस भी मना रहा है, अमेरिका का इंडिजिनस भी मना रहा है, अफ्रीका का भी मना, जो 90 देश आते हैं नक्शे में, सभी इंडिजिनस पीपल उस दिन मनाते हैं। बड़ा त्यौहार कौन सा हो गया? और इस दिन ना भाई ना, तेरे पुरखा ने कुछ किया नहीं है, तेरे पुरखा अब करेंगे, क्योंकि ये दिन है हमारे हक अधिकारों को सामने लाने का। भारत के संविधान में एक बात दर्ज की गई है, पेशा एक्ट हो गया, 5वीं अनुसूची, इसमें एक दर्शाया गया है कि ट्राइबल लोगों का एक अलग एरिया है, उसके अलग एरिया में उनका कानून चलेगा। संविधान में भी है और बाकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो आर्टिकल बनाया उसमें भी लिखा है कि उनका कस्टम है, उनका रूल है। आज भी हमारे गोंडी लोग गांव में जाते हैं तो मावा नाटे मावा राज कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका कस्टम है, उनकी सरकार है। आपको क्या लगता है ये पालिका पहले बनी कि ट्राइबल लोगों की बनी? ट्राइबल लोगों से तो प्रेरित है सब लोग, ट्राइबल लोग एक झूमर में बैठते कबीले की तरह, सभी लोग आते हैं समाज के, वहाँ पे बैठक की जाती है, अपनी भाषा में उसको मांदी कहते हैं। आप थोड़ा सा डेवलप हो गए तो आपने उसको बैठक कहा, थोड़ा सा डेवलप हो गया आप पार्लियामेंट में जाके वही बैठक कर रहे हो, आया कहाँ से? ट्राइबल कल्चर से। तो ट्राइबल कल्चर को मानना ज़रूरी है। और चाचा जी आप बीजेपी की कुछ भी हो, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपने 9 अगस्त के बारे में बोला है तो आपको एक कहूँगा, पहले थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। गूगल में आपको UNO क्या है, UNO का जो सिंबल नज़र आता है क्या है, पूरे वर्ल्ड का वहाँ पे मैप है और मैप के सामने झाड़ी की पत्तियाँ नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि ये देश पूरे देशों को शांतिपूर्ण करना चाहते हैं और उन्होंने इस देश की, इस वर्ल्ड की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया कि यहाँ के मूलवंशी लोगों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। और इस हक और अधिकार के दिन को हम 9 अगस्त में वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे करके मनाते हैं। और चाचा जी रुकिए, आगे चलकर पूरे विश्व में यह दिन बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। पहले क्या होता था 1993 में कुछ अलग देशों में नहीं मनाया, इंडिया में नहीं मनाया गया। फिर उसके बाद दूसरे साल और दो देशों ने ट्राई किया, उसके बाद फिर शहरों तक ये दिन आया, अभी हमारे गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आगे चलकर बहुत बड़ी धूमधाम से यह दिन मनाया जाएगा। और हाँ, कभी भी किसी भी दिन को जुटलाने से पहले उस दिन के बारे में सोचा जाए, समझा जाए और लोगों को भी बताया जाए। चाचा जी मेरे ख्याल से आप बोल रहे हो तो ऐसा ही लगता है कि आप हमारे ही समाज के हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ के ट्राइबल को ना किसी धर्म की ज़रूरत थी और ना है, क्योंकि नियम कानून हमारे कस्टम में है। हम वैसे ही जीते थे और आज भी हम वैसे जीना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीने में साइंस है और इस साइंस को हम छोड़ना नहीं चाहते, इस साइंस को हम पकड़ के रखना चाहते हैं और इस पूरे कस्टम को और उसके लॉ को हम आगे की जनरेशन तक देना चाहते हैं। तो प्लीज़ पहले ये बात समझिए कि 9 अगस्त ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि ये सभी इंडिजिनियस पीपल यानी मूलवंशी लोगों का एक अभिमान का दिन है। इस दिन हमें मौका मिलता है अपनी बातें रखने का, इस दिन हमें टाइम मिलता है हमारे संस्कृति की तरफ बाकी दुनिया का आकर्षण करने का, और ये हम क्यों ना करें? तो इसलिए चाचा जी के पास यह वीडियो ज़रूर पहुंचा है, क्योंकि चाचा जी का जो मुद्दा है वो बहुत ही अच्छा मुद्दा है। इस मुद्दे पे ना चाचा जी को ही नहीं तो बहुत सारे लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है कि हम जो पंडुम करते थे वो पंडुम तो अलग थे, लेकिन ये 9 अगस्त बीच में क्यों आ गया? 9 अगस्त बीच में आया लेकिन आपके अधिकारों और हकों के बारे में बताने के लिए आया। तो समझिए इस UNO और उसके पूरे प्रणाली को। और चाचा जी आप चाहते हो तो अगला वीडियो आपको पूरे UNO ने यहाँ के ट्राइबल लोगों के लिए कौन से कानून, कौन से हक अधिकार दिए हैं वो भी मैं पढ़ा के दे सकता हूँ आपको, क्या क्या अधिकार दिए हैं। वहाँ पे सैनिक गतिविधि नहीं हो सकती, लेकिन आप जाइए नक्सल क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे सैनिक गतिविधि ज़्यादा दिखेगी आपको। मैं आपको बताने लगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सीधी एक बात कहनी है, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे आज मनाया गया था, परसों मनाया गया था और आगे भी मनाया जाएगा। और दोस्तों याद रखिए, कोई भी पक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संघ हो, उसकी विचारधारा अगर ट्राइबलों के साथ मेल खाती है तो ही वो हमारे साथ है, अगर उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती तो फिर प्रश्न है। और सभी को एक ही बात कहना है, अपने कस्टम और कस्टमरी लॉ को लेकर चलिए, क्योंकि
यही आपकी पीढ़ी को एक नया जीवन दान दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय देवसी, जय गुणवाना, जय भीम।